कंटिन्यू करते हैं। पहले अपन ने क्या पढ़ लिया, पहले अपन ने पढ़ा था टंग के बारे में। अब नेक्स्ट अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, कौन सा, टीथ। टीथ क्या होता है, तो टीथ के बारे में अपन जनरली देखते हैं कि देखो बच्चों टीथ में क्या है। टीथ के बारे में जनरली एक पॉइंट बता दूं, ये पार्सली क्या है, डेड है, और पार्सली लिविंग है, यानी थोड़ा इसके अंदर मृत भाग है और जीवित भाग भी है। अब आप कहोगे सर पार्सली डेड कैसे, तो आपने देखा होगा कि ये जो दिख रहा है आपको व्हाइटिश पार्ट है, वो व्हाइटिश पार्ट क्या होता है, जिसको आप बोलोगे क्राउन, और क्राउन के जस्ट ऊपर एक पार्ट पाया जाएगा इनेमल। वो इनेमल क्या होगा, एक नॉन लिविंग पार्ट होगा, तो वो पार्सली डेड पार्ट है। ओके, अब देखो अपन समझते हैं टीथ के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम की ओरिजिन होती है एक्टो एंडोडर्म के द्वारा, लेकिन एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन यहां पे आया। टीथ की ओरिजिन होती है एक्टो मेजियोडर्मल द्वारा, तो फर्स्ट तो ओरिजिन किसके द्वारा होगी, एक्टो मेजियोडर्म द्वारा, तो टीथ की ओरिजिन किसके द्वारा, एक्टो मेजियोडर्मल के द्वारा। दूसरा, टीथ की क्या होती है, थ्री पार्ट होते हैं। टीथ के पार्ट कितने हैं, थ्री, फर्स्ट इज क्राउन, सेकेंड इज नेक, एंड थर्ड इज रूट। पहला क्राउन है, दूसरा नेक है, और तीसरा रूट है। मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है, ओके, तो रफली डायग्राम बनाया, तो इसमें मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पाया जाएगा, बाकी आप स्लाइड में देख लेंगे। इसके अंदर ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पार्ट, ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ये आपको कहलाएगा क्या, क्राउन। तो सबसे पहले क्राउन क्या है, क्राउन वाइटिस और जो साइन मारता हुआ पार्ट है, क्योंकि कोलगेट कैड आता है ना, साइन मारते हैं, क्लोजअप, हाँ क्लोजअप कैड आता है, ऐसे करते हैं साइन मारते हैं, तो वाइटिस जो साइन पार्ट है उसी को अपन ने क्या बोला है, क्राउन। तो क्राउन क्या है, एक वाइटिस और साइन पार्ट है जो चमकदार है और सफेद है, तो सफेद और चमकदार कौन सा हो जाएगा, क्राउन। तो क्राउन के बारे में अगर यहां पर आप लिखना चाहो तो क्राउन क्या है, एक वाइटिस एंड साइन, ओके। दूसरा, इसके नीचे वाले भाग में आओ, क्राउन की ये जो भाग है, ये भाग क्या कहलाएगा अपना, नेक। तो इस भाग को अपन ने क्या बोल दिया है, नेक। तो ये भाग क्या कहलाएगा, नेक। नेक भाग क्या होता है, नेक भाग उसे बोलते हैं जो गम्स के द्वारा कवर्ड रहेगा, यानी मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आप देखोगे, आप मिरर के सामने हो जाना, वहां पे आप अच्छे से देख लेना उसको, थोड़ा सा ऊपर करके अपने लिप्स को, और यहाँ पर आपने देखा कि गम्स के द्वारा कवर्ड पार्ट होगा, तो गम्स के द्वारा कवर्ड जो पार्ट है वो कौन सा कहलाएगा, नेक। नेक, तो नेक पार्ट क्या हो जाएगा, ये जो नेक पार्ट है कवर्ड बाई गम्स, गम्स के द्वारा कवर्ड भाग है। थर्ड आ जाओ रूट, रूट पार्ट क्या होगा, नेक से नीचे वाला जो अंदर तक दसा हुआ भाग है, जो जबड़ों के अंदर दसा हुआ भाग है, उसी को अपन ने क्या बोला है, रूट। तो यहां से लेकर यहां तक का भाग क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। तो यहां तक के भाग को अपन बोल सकते हैं, दिस पार्ट इज रूट, उसे हमने क्या बोल दिया, रूट कह दिया। ओके, तो थ्री पार्ट हो गए, क्राउन हो गया, नेक हो गया, एंड रूट हो गया। अब देखो नेक और रूट है ना, रूट क्या है, जबड़ों के अंदर दसा हुआ भाग है, और नेक गम्स के द्वारा कवर्ड पार्ट, ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं एक मेम्ब्रेन के द्वारा, और उस मेम्ब्रेन का नाम होता है आप, सीमेंटम लेयर होती है, स्टिकी लेयर होती है चिपकने वाली, इसको आप बोल सकते हो सीमेंट, क्या बोल सकते हो, सीमेंट लेयर। ओके, नेक्स्ट आगे आ जाओ। अब जो टीथ के ये अंदर, तो ये अपने थ्री पार्ट्स के बारे में देख लिया, नेक्स्ट आ गया, ये जो टीथ का जो सेंट्रल पार्ट है, जो क्या है, सेंट्रल पार्ट, इस सेंट्रल पार्ट, अब जो सेंट्रल पार्ट है, इस सेंट्रल पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, इस सेंट्रल पार्ट को बोलेंगे पल्प कैविटी। ये अंदर का जो स्पेस है इसको क्या बोल दिया, पल्प कैविटी।
पल्प कैविटी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट रहेंगी, यानी यहां पर जो सेल्स हैं उन सेल्स को बोलेंगे ओडंटो ब्लास्ट सेल। कौन सी सेल्स बोलेंगे? ओडंटो ब्लास्ट सेल्स। तो पल्प कैविटी के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं? ओडंटो ब्लास्ट सेल्स होती हैं। यस, या आप कह सकते हो कि पल्प कैविटी इज कवर्ड बाई ओडंटो ब्लास्ट सेल्स, यानी पल्प कैविटी किसके द्वारा कवर्ड है? ओडंटो ब्लास्ट सेल्स, और ओडंटो ब्लास्ट सेल्स सीक्रेट डेंटिन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओडंटो ब्लास्ट सेल्स क्या सीक्रेट करेंगी? डेंटिन का सीक्रेशन करेंगी। तो पल्प कैविटी इज कवर्ड बाय द डेंटिन, या पल्प कैविटी इज कवर्ड बाय द ओडंटो ब्लास्ट सेल्स। ओडंटो ब्लास्ट सेल्स के द्वारा क्या सीक्रेट किया जाएगा? डेंटिन। और डेंटिन के द्वारा ही इस टीथ को, जो अपने टीथ हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो न्यूट्रिशन सबस्टांस कौन सा है टीथ के अंदर? वो है अपना कौन सा? डेंटिन। तो डेंटिन ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है टीथ को। इसलिए तो अपन बोलते हैं कि जो दांतों के डॉक्टर जो होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट है ना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, अपने टीथ की केयर करेगा, तो वो केयर करेगा वही तो डॉक्टर होगा। तो ये इसका मतलब ये क्या है? डेंटिन जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ओडेंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा क्या सीक्रेट किया जाएगा? एक न्यूट्रिशन सबस्टांस सीक्रेट किया जाएगा, और जिसका नाम अपन ने बता दिया डेंटिन। इस डेंटिन को अपन बोलते हैं बेस, यानी यहां पर अपन बोलते हैं बल्क ऑफ द टूथ इज कॉल्ड टू डेंटिन, क्योंकि मच मोर क्या होता है? डेंटिन होते हैं। ओके, अब आप नीचे आओ। इस कैविटी के अंदर, इस कैविटी के बेस पार्ट पे आ जाओ। ये है बेस पार्ट। इस बेस पार्ट पर पाए जाते हैं छिद्र, यानी फोरामेन है यहां पर। इन फोरामेन को बोलते हैं एपिकल फोरामेन। ये जो दिख रहे हैं ना, इनको अपन ने क्या बोला है? एपिकल फोरामेन। ये क्या है? एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन। अब ये जो एपिकल फोरामेन हैं, ये जो छिद्र हैं, ये छिद्र इन्हीं एपिकल फोरामेन से क्या गुजरती हैं? इन पल्प कैविटी के अंदर जाएंगी ब्लड वेसल्स। नाउ वो सारे के सारे कहां से इंटर करेंगी? एपिकल फोरामेन से। तो ये जो दिख रही हैं, ये हैं ब्लड वेसल्स। नर्व, तंत्रिकाएं, रक्त वाहिनियां, वो सब कहां से इंसर्ट होती हैं, कहां से जाती हैं? तो वो आप कहोगे कि सर एपिकल फोरामेन से होकर गुजरती हैं, जो दांत के पल्प कैविटी के अंदर जाती हैं। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है, इज इंटरेस्टिंग है ये थोड़ा सा, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एपिकल फोरामेन जो पहले मान लो इतना ओरिफिस डायमीटर था, अब धीरे 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 क्या होता है? कम हो जाता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, इसका डायमीटर कम होता जाता है, इंक्रीज ड्यूरिंग द एज। ओके, यस। तो यहां तक अपन ने देख लिया। तो बेस ऑफ द पल्प कैविटी हैव ए फोरामेन एंड दैट इज कॉल्ड टू एपिकल फोरामेन। यहां तक सबको समझ में आया? यस, गुड। अब आगे चलते हैं अपन। अब नेक्स्ट इससे आगे स्टेप में जाते हैं। अब मैंने बताया कि जो क्राउन है, क्राउन पे आओ। इस क्राउन के जस्ट ऊपर वाले भाग के अंदर भी आपने देखा है कि यहां पर एक लेयर है, जिसको बोला है अपन ने इनेमल। क्या बोला है? इनेमल। क्राउन के ऊपर एक कैल्शियम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साल्ट की बनी हुई बहुत ही मजबूत स्टिकी लेयर होती है, जिसको अपन ने क्या बोल दिया? इनेमल। क्या बोल दिया? इनेमल। और इनेमल क्या है? इनेमल इज ए हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो यहां पर आप सब देख सकते हो ये क्या है? सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट है। तो इनेमल इज ए हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? इनेमल है। और इनेमल का यहां पर मैं बता दू, यहां पर देखो आप, इस इनेमल का जो फॉर्मेशन होता है वो ओडंटोब्लास्ट सेल्स द्वारा नहीं होता है, यहां पर होता है ई माइलोब्लास्ट सेल्स।
इमाइलोब्लास्ट सेल्स के द्वारा किसका सिक्रेशन किया जाएगा? इनेमल्स का। किसका निर्माण किया जाएगा? इनेमल्स का निर्माण किया जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? तो फास्टली रिवाइज कर लो। ऑरिजिन एक्टोमीजोडर्मल द्वारा होगी। थ्री पार्ट्स होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट पार्ट होते हैं। क्राउन व्हाइट और शाइन पार्ट होता है। नेक पार्ट कौन सा हो गया अपना? नेक पार्ट आप देखोगे तो गम्स के द्वारा कवर्ड पार्ट हो गया। रूट पार्ट जो जबड़ के अंदर दसा हुआ भाग है, ठीक है। इसके सेंट्रल पार्ट पर जो केविटी पाई जाती है सेंट्रल पार्ट के अंदर, उसे बोलते हैं हम पल्प केविटी। इसी पल्प केविटी कवर्ड किसके द्वारा होती है? ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। और ओडेंटोब्लास्ट सेल्स किसका निर्माण करती है? डेंटिन का निर्माण करती है। ये डेंटिन क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है किसको? टीथ को, ओके। एंड डेंटिन ही कवर करता है पल्प केविटी को। यस, इस पल्प केविटी के बेस पर एक फोरामेन होता है जिसे एपिकल फोरामेन कहते हैं। ड्यूरिंग द एजिंग धीरे धीरे ये क्या होता है? ड्यूरिंग द एजिंग ये क्या होता है? सकरा होता जाता है, ओके। जैसे जैसे एज बढ़ती है, एक बार नाम गिरने के बाद दोबारा नहीं आते, क्योंकि ये डायमीटर क्या हो जाता है? अगर ये बिल्कुल बंद हो जाए तो फिर दोबारा नहीं आ सकते, ओके। एंड इस क्राउन पार्ट के जस्ट ऊपर की ओर भी एक स्टिकी हार्ड लेयर होती है जिसको अपन ने बोला है इनेमल। और इनेमल क्या होता है? शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अब यहाँ पर थोड़ा मैं और इंटरेस्टिंग कर दूँ आप लोगों के लिए। ओडेंटोब्लास्ट सेल्स और डेंटिन, इन दोनों का निर्माण किसके द्वारा होगा? तो यहाँ पर आप देख लो, ओडेंटोब्लास्ट सेल्स और डेंटिन का निर्माण होगा मीजोडर्मल्स के द्वारा। तो मैंने अभी बताया ना कि इसकी ओरिजिन एक्टोमीजोडर्मल द्वारा होती है। तो मीजोडर्म द्वारा किसका निर्माण होता है? ओडेंटोब्लास्ट सेल्स और डेंटिन का निर्माण होता है, ओके। तो दैट इज क्लियर, ओके। और एनिमल किसका बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साल्ट होते हैं उनका बना होता है, तो सबसे मजबूत पार्ट हो गया, ओके। दैट्स इट क्लियर। यस, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ अपना, टाइप ऑफ टीथ। टाइप ऑफ टीथ क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के आधार पर देख लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या होता है? इंसाइजर। तो इंसिजर जो टीथ होते हैं वो इंसिजर टीथ कौन से शेप के होते हैं? तो आप बोलोगे चीसल शेप के हैं। तो लाइक दैट आप ऐसे ही बता सकते हो, छेनी के आकार के हैं, छेनी लाइक है, ओके। एंड इनका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन होता है कटिंग ऑफ द फूड। फूड को काटने का कार्य कौन करते हैं? इंसिजर टीथ कहते हैं। कैनाइन में आ जाओ, कैनाइन जो टीथ हैं उनकी शेप देख लेते हैं। तो शेप कैसी होती है? बिल्कुल पॉइंटेड होती है ये, पॉइंटेड। आप बिल्कुल आप पैन की निप जैसे आप देख सकते हो, तो वो बिल्कुल पॉइंटेड होगी। एंड इनका फंक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शन क्या है इनका? टीरिंग ऑफ द फूड। टीरिंग ऑफ द फूड का मतलब है, यहाँ पे समझो कि भोजन को काटने का कार्य इंसिजर कर रहे हैं, लेकिन उनको चीरना और फाड़ने का कार्य कौन करेंगे? कैनाइन। तो आप ये जनरली देख लो, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं यानी जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनके अंदर ये ज्यादा विकसित दांत होंगे, जबकि शाकाहारी जंतु के अंदर जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये कम विकसित होंगे, ओके। जनरली उनके अंदर ये ज्यादा विकसित होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम जितने सारे एनिमल्स की बात करें जो कैनाइन होते हैं, जैसे जो मांस खाते हैं, ओके, जैसे डॉग, ओके। प्रीमोलर टीथ की बात करें, प्रीमोलर टीथ, तो प्रीमोलर टीथ की अगर हम शेप देखें तो शेप कैसी होगी इनकी? इनकी जो शेप होती है, मैं बोलूं कि इनकी शेप होती है ट्राई एंगुलर। कैसी होगी? ट्राइंगुलर होगी, यानी थोड़ा सा त्रिभुज के आकार का होगा, ट्राइंगुलर शेप होगी इनकी। और इनका फंक्शन क्या है? तो इनका फंक्शन होता है ग्रीटिंग ऑफ द फूड। भोजन को क्या करना? ग्रीट करना, भोजन को चबाना, तो चबाने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर ये चबाने का कार्य हो जाएगा। मोलर टीथ के बारे में देखते हैं। मोलर जो टीथ है उसकी शेप कैसी होगी? उसकी टेट्रा एंगुलर हो जाएगी। टेट्रा एंगुलर कैसी हो जाएगी? टेट्रा एंगुलर हो जाएगी। और इसकी लाइक दैट्स टेट्रा एंगुलर इसकी शेप होगी। एंड ये दोनों जो है प्रीमोलर एंड मोलर टीथ, ये दोनों ही, इन दोनों का फंक्शन क्या हो जाएगा? ग्रीटिंग ऑफ द फूड, ग्रीटिंग ऑफ द फूड, यानी भोजन को चबाने का कार्य कौन करेंगे? प्रीमोलर एंड मोलर टीथ करेंगे, ओके। अब मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और कर देता हूं।
जो इंसाइजर टीथ होते हैं वो जो अपन रैट की बात करें उनके अंदर लाइफ टाइम तक ग्रो करते रहते हैं। तो लाइफ टाइम तक ग्रो करेंगे तो इसका मतलब क्या समझे आप कि एपिकल फोरामेन उनके अंदर कभी भी क्लोज नहीं होगा। जिनके अंदर क्लोज हो जाएगा उसके अंदर दांत क्या हो जाएंगे, एक बार टूटने के बाद दोबारा नहीं बनेंगे। लेकिन जिसके अंदर एपिकल फोरामेन कभी क्लोज नहीं होता उन एनिमल्स के अंदर हमेशा क्या होंगे, लाइफ टाइम क्या करते हैं, दांत ग्रो करते रहते हैं। ओके, ड्यूरिंग लाइफ। तो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयर ड्यूरिंग लाइफ, लाइफ में ऑन द बेसिस ऑफ अपीयर ड्यूरिंग लाइफ हो गया। तो किसके आधार पर ड्यूरिंग लाइफ में कितनी बार आते हैं, तो जीवन में दो बार ही दांत आते हैं लाइफ में। एक कौन सा होता है, फर्स्ट टीथ इज टेम्परेरी टीथ, जिसको आप मिल्क टीथ भी बोलोगे, मिल्क टीथ। ओके, एंड सेकेंड जो होगा वो होगा अपना परमानेंट टीथ, या कहोगे आप परमानेंट बोल दो या फिर मेच्योर टीथ बोल सकते हो आप, परमानेंट टीथ। ओके, तो परमानेंट टीथ हो गए या मेच्योर टीथ बोल सकते हो आप। तो यहां पर देखें अपन, टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ जो होते हैं 6 मंथ पे स्टार्ट होते हैं, 6 महीने के बच्चे में अपीयर्स होते हैं और सबसे पहले इंसिजर दांत आते हैं। ओके, तो ये तो जनरल हो गया, MBBS की बात है ये तो, लेकिन आप लोगों को एक जनरली अपने नीड बेस तक देखें तो टेम्परेरी जो टीथ होते हैं वो है छोटे बच्चों के अंदर आते हैं, और टेम्परेरी टीथ जो होते हैं इनके नंबर कितने होते हैं, 20 होते हैं। टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ क्या होते हैं, जो मेच्योर टीथ होते हैं, क्योंकि 6 मंथ पे आएंगे और 6 साल में कम्प्लीटली गिर जाएंगे, 6 साल बाद में जो आएंगे वो कौन से आएंगे, परमानेंट टीथ आएंगे, वो भी इंसाइजर दांत पहले आते हैं। तो यहाँ पे परमानेंट टीथ की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ परमानेंट टीथ 32 होती है। ओके, तो लाइफ में कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार दांत आ रहे हैं। जब लाइफ में 2 बार दांत आते हैं तो ऐसे दांत को अपन बोलते हैं, नोट करके आप लिख सकते हो, ऐसे दांतों को बोलते हैं डाइफायोडोंट। क्या बोलोगे, डाइफायोडोंट, यानी जीवन में अगर 2 बार दांत आ रहे हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, डाइफायोडोंट। जैसे ह्यूमन के अंदर जीवन में कितनी बार दांत आते हैं, 2 बार आते हैं, तो मानव के अंदर यानी ह्यूमन के अंदर किस टाइप के दांत पाए जाते हैं, डाइफायोडोंट पाए जाते हैं। ओके, तो दैट्स इज कंप्लीट। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, आगे देखते हैं अदर टाइप, कुछ अदर टाइप के मैं बता देता हूँ आप लोगों, ताकि और अच्छे से आप समझ सको, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे डाल देते हैं। तो फिर मोनोफाइडोंट, मोनोफाइडोंट यानी वे दांत जो जीवन में एक ही बार निकलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोफाइडोंट्स। तो जीवन में एक ही बार निकलने वाले दांत कौन से हो सकते हैं, तो जीवन में एक ही बार जो निकलते हैं वो दांत होते हैं अपने प्रीमोलर एंड विजडम टीथ। प्रीमोलर एंड विजडम टीथ, विजडम टीथ क्या होते हैं, 18 साल से 25 साल की भी एज में अपीयर्स होते हैं ये। ओके, और एक प्रकार के थर्ड मोलर टीथ है, तो तीसरे थर्ड मोलर टीथ को अपन क्या बोल सकते हैं, विजडम टीथ बोल सकते हैं। लेकिन कुछ बुक्स के अंदर फोर्थ मोलर टीथ को भी माना जाता है, लेकिन मेनली अपन थर्ड एंड फोर्थ मोलर टीथ को अपन क्या बोल सकते हैं, विजडम टीथ कह सकते हैं। ओके, एंड आगे देखें प्रीमोलर टीथ भी वन ही टाइम अपीयर्स होंगे, क्योंकि आगे चलकर अपन जब डेंटल फॉर्मूला पढ़ेंगे तो जो चाइल्ड का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो 21-02/21-02। तो ये इंसाइजर हो गया, ये कहना है कि प्रीमोलर हो गया, तो प्रीमोलर का मतलब 0 है, तो 0 का मतलब जीवन में ये वन ही टाइम अपीयर्स होते हैं। ओके, तो प्रीमोलर एंड विजडम टीथ होते हैं। दूसरे क्या होते हैं, पॉलीफायडोंट्स। पॉलीफायडोंट्स का मतलब वे दांत जो जीवन में अनेक बार निकलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीफायडोंट कहते हैं, यानी जीवन में बहुत बार निकलते हैं, मेनी टाइम्स में निकलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीफायडोंट। जैसे मछलियों के अंदर और मेंढक के अंदर ये होते हैं। एक्रोडोंट यानी जाकि अगर कोई फ्री सरफेस है और वो फ्री सरफेस होकर थोड़ी तीखी हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोडोंट होते हैं। एक्रोडोंट जैसे पाए जाते हैं किसके अंदर, फ्रॉग है, फिश के अंदर भी एक्रोडोंट है। प्लूरोडोंट पार्श्वदंती इसको बोल सकते हो, यानी
जो लेटरल साइड है वो क्या हो जाए, लेटरल साइड जो है वो तीखी हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लूरोडोंट, जैसे लिजार्ड के अंदर, जैसे सांप के अंदर। थीकोडोंट यानी जो अगर जबड़ों के अंदर दसे हुए हैं तो उन्हें हम क्या बोल देंगे, थीकोडोंट। ओके, जबड़ों के अंदर दसे भाग हो तो गृहदंती। होमोडोंट, होमोडोंट का मतलब समदंती, समदंती का मतलब जिनके अंदर समान प्रकार के दांत पाए जाते हैं, सेम दांत पाए जाते हैं, उनके भी एग्जाम्पल फोग एंड फिश होते हैं। फोग एंड फिश के अंदर क्या पाई जाती है, होमोडोंट्स पाए जाते हैं। ओके, तो दैट्स इट क्लियर। ओके, सबको समझ में आया, मोनोपाइडोंट यानी एक बार दंती, पॉलीपाइडोंट बहुबार दंती, एक्रोडोंट गृह दंती, प्लूरोडोंट पार्श्व दंती, थीकोडोंट गृह दंती एंड होमोडोंट समदंती। क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पे। वुमन में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो विच टाइप टीथ प्रेजेंट इन वुमन, वुमन में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो किस प्रकार के दांत पाए जाएंगे, देखो यहां पर। फर्स्ट मैंने बताया अपने अंदर के चार प्रकार के दांत होते हैं, इनसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इनकी सबकी फंक्शन भी अलग होती है, स्ट्रक्चर भी अलग है। तो ऐसे दांत जिनकी फंक्शन और स्ट्रक्चर अलग होती है उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोडोंट। तो पहले तो ये हेटेरोडोंट हो गए। दूसरा अपन देख लें कि अपनी जीवन में पूरी लाइफ के अंदर दो प्रकार के दांत आते हैं, पूरी लाइफ में दो बार दांत आते हैं, एक बार जिसे मिल्क टीथ बोलेंगे, दूसरे परमानेंट टीथ हो गए। तो उनको अपन ने क्या बोला, डाइफायोडोंट। क्या बोलेंगे, डाइफायोडोंट यानी द्वि बार दंती, जीवन में दो बार आने वाले हैं। इनका नंबर भी कितना होता है, मिल्क के अंदर 20 होते हैं, 20 होते हैं डाइफायोडोंट के नंबर। सी ओके, ऐसे दांत जीवन में डाइफायोडोंट नंबर कितने होते हैं, 20 होते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर कितने होते हैं, 20 आएंगे तो वो दोबारा तो अभ्यास होंगे। ओके, तो नेक्स्ट अपन देख लें तीसरे प्रकार के, किस प्रकार के होते हैं, थीकोडोंट। थीकोडोंट, थीकोडोंट का मतलब हो गया कि गृहदंती। गृहदंती का मतलब ये जबड़ों के अंदर दसे हुए होते हैं, तो इस प्रकार के दांत को अपन क्या बोलते हैं, थीकोडोंट। तो हेटेरोडोंट हो गए, डाइफायोडोंट हो गए एंड थीकोडोंट। तो इस प्रकार के दांत पाए जाते हैं किसके अंदर, वुमन के अंदर, तो हेटेरोडोंट, डाइफायोडोंट एंड थीकोडोंट। ओके यस, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला मैंने बना दिया है, ट्रिक बना दिया है, नंबर ऑफ टीथ इन हाफ पार्ट ऑफ अपर जा, नंबर ऑफ टीथ इन हाफ पार्ट ऑफ लोअर जा इनटू 2, यानी ऊपरी जबड़े के आधे अर्धांश और निचले जबड़े के आधे अर्धांश को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो क्या आ जाएगा, अपना डेंटल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, तो वुमन के अंदर, वुमन एडल्ट्स का देखते हैं अपन, एडल्ट्स का देखते हैं, एडल्ट्स का कितना होता है, नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं बताओ, नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 32। तो इसका फॉर्मूला निकाल के देखें अपन, इसका फॉर्मूला होता है 2123 / 2123, 21 / 23 / 21 / 23 इंटू 2। तो दो, ये कौन से दांत हो गए, इनसाइजर, ये कौन से, कैनाइन, ये प्रीमोलर, और ये कौन से हो गए, मोलर। तो इनसाइजर दांत कितने हो जाएंगे, 2 × 2 = 4, 4 = 8 हो गए। कैनाइन कितने हो जाएंगे, 2 = 4, प्रीमोलर कितने हो जाएंगे, 2 × 2 = 4, 8 और मोलर कितने हो जाएंगे, 3 × 2 = 6 और 12। तो टोटल दांत भी कितने हो गए, 32 हो गए। तो निचले जबड़े में कितने पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हो 16, और ऊपरी जबड़े में कितने पाए जाएंगे, 16, तो 32 दांत हो गए। और देख लो चाइल्ड का जो 20 नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। ओके, नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2102 / 2102 इंटू 2। ओके, तो कितने हो जाएंगे ये देखो, यानी ये इनसाइजर हो गए, ये कैनाइन हो गए, प्रीमोलर हो गए, मोलर हो गए। तो इनसाइजर कितने हो गए बताओ, 4, 8 हो गए। कैनाइन कितने हो गए, 4 हो गए।
प्री मोलर कितने हो गए, 0 हो गए, और मोलर कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8, 16, 16 और 4 कितने हो गए, 20 हो गए, 20। तो मैंने बताया था ना कि जीवन में सिर्फ एक ही बार मोनोफाइडोंट, मोनोफाइडोंट यहाँ पर देख सकते हो, 0 है ना ये, तो इसलिए जीवन में एक ही बार आते हैं प्री मोलर टीथ। ओके, छोटे बच्चे के अंदर कौन से दांत अब्सेंट होते हैं, तो आप राइट आंसर क्या करोगे, प्री मोलर टीथ अब्सेंट होते हैं। यानी आपसे पूछ लिया जाएगा कि दूध पीता हुआ बच्चा है उसके अंदर कौन से दांत अब्सेंट रहेंगे, तो आपका राइट आंसर आएगा प्री मोलर टीथ अब्सेंट रहेंगे उसके अंदर। ओके, एंड अपने आपका क्वेश्चन भी आ सकता है 15 से 17 ईयर्स तक के बच्चे, 15 से 17 साल के बच्चे के अंदर कितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं, 28 हो गए। ओके, डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज, ओके गुड। तो ये हो गया अपना डेंटल फॉर्मूला, इसी के साथ अपना क्या हो गया, ये टीथ भी क्या हो गया, कंप्लीट। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया गया कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेट्रोडोंट टाइप ऑफ वुमन के अंदर आपको देख लेना है कि वुमन के अंदर कौन से प्रकार के दांत पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट्स इट, थैंक यू ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट अपन कल देखेंगे कि अपना कौन सा रहे। थैंक यू फॉर, तो मेरे चैनल्स को आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ दीज।